Started. Hello everybody, good morning. So, आज हम अपना तीसरा session लेंगे. दो classes हम पढ़ चुके हैं. Those two classes were about environment. जितने भी important environment के concepts थे, summits थी, organizations थी, हमने उसमें cover करी. आज हम थोड़ा सा different topic लेंगे. और फिलहाल मैं wait करती हूँ, सब काफ़ी लोग और जुड़ जाएँ. Hello. Hello Rahul. Hello Renu. Yes, hi Venkat. Yes, even I am waiting. Let's wait for maybe 2 minutes more. और लोग आ जाएं तो हम start करते हैं. Good morning, Pooja. That's very sweet of you, Pooja, कि आप मेरा wait कर रहे हैं. In fact, मैं भी wait कर रही थी session का because ये session थोड़ा सा different है. Hopefully, इसको interesting बनाएंगे ताकि थोड़ा सा इसमें history का part भी आता है कि boring ना हो जाए आप लोगों के लिए. So I guess we have sufficient number of people right now and people will keep joining us. एक concern जो एक आ रहा था हिंदी और इंग्लिश की प्रॉब्लम का, so I'll try managing both the languages. क्योंकि हिंदी में ज़्यादा यूज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारी स्लाइड्स इंग्लिश में हैं ऑलरेडी, सो एक समझाने में हिंदी मीडियम इज़ लाइक यू नो लोग ज़्यादा समझ पाते हैं. तो इस बार क्लास में मैं कोशिश करती हूँ बिकॉज जो वर्ड्स रहेंगे वो थोड़े से वैसे ही क्लिष्ट रहेंगे, सो आई विल ट्राई मैनेजिंग बोथ द लैंग्वेजेस. ओके, हाय स्नेहल, हाय पूजा. या सो शुरू करते हैं हम. अगर इस टॉपिक की मैं बात करूँ, हायर एजुकेशन, ये हमारे UGC नेट पेपर 1 का चैप्टर नंबर 10 है. तो अगर आपने सिलेबस को, बिकॉज किसी भी एग्ज़ाम का फर्स्ट स्टेप होता है सिलेबस को अच्छे से जानना, तो अगर आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं आने वाले 2 महीनों में, तो आपको सिलेबस अब तक अपने टिप्स पे याद होना चाहिए. यू नो कि कौन सा टॉपिक आप सुन के बोल दें कि हाँ दिस टॉपिक इज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिलेबस. सो अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूँ तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है पेपर 1 का. उसमें कम से कम 5 सब टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स में इसमें थोड़ा सा ये कन्वेंशनल और थोड़ा सा लेटेस्ट करंट अफेयर्स दोनों इसका पार्ट रहेगा. इसके क्वेश्चंस कम से कम 5 या 6 आते रहते हैं. दिस इज़ अ रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है. इट्स लिटिल फिलोसफी, हिस्ट्री एंड यू नो ये जनरली हमने अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में सुना रहता है. सो आज हम इसका पहला टॉपिक लेंगे विच इज़ एंशंट इंडिया में हायर एजुकेशन कैसा होता था. या वी हैव मोर पीपल जॉइनिंग अस. हाय सरब, हाय खेम सिंह. हाँ जी, ये फर्स्ट पेपर का है. बिल्कुल, आप बिल्कुल सिलेबस उठा के देखिएगा, आपको फर्स्ट पेपर में टॉपिक मिल जाएगा, चैप्टर 10. सो अगर हम हायर एजुकेशन इन एंशंट इंडिया की बात करें, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो अगर जैसे हम अपने पूरे एक हिस्ट्री को डिवाइड करें इंडिया की या वर्ल्ड की, तो इसको 3 पार्ट में हम देखेंगे. एंशंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया. तो अगर एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न से हम क्या समझते हैं? एंशंट जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है पुरातत्व, यू नो. सो ये जो पुराना था, जब से हमारी संस्कृति, जब से हमारी सिविलाइजेशन इट स्टार्टेड फ्रॉम द स्टोन एज. आपने सुना होगा स्टोन एज थी, उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमारा इतना बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन आया जिसको हम हरप्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं. हरप्पन सिविलाइजेशन कम से कम 2000-3000 साल चला था. उसके बाद फाइनली जो हमारे एंशंट इंडिया, जो हमारा आप सुनते होंगे वैदिक एज, ठीक है, प्री वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, दीज थिंग्स स्टार्टेड कमिंग. सो जो हमारा एजुकेशन की एक फाउंडेशन रखी गई थी हरप्पन में, वी डिडंट फाइंड एनी क्लू रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम. आर्ट्स मिले थे, आर्टिफैक्ट्स मिले थे, थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट्स मिली थी जो हरप्पन के बारे में हमें पता चलता था. उसको हम, उस स्क्रिप्ट को हम लेफ्ट टू राइट लिखते थे. तो दीज वर द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स वी यू नो गॉट फ्रॉम हरप्पन. तो अभी जो एंशंट इंडिया है, हमारा एजुकेशन एंशंट इंडिया से प्रॉपर शुरू होता है. उसको हम बोलते हैं वैदिक एज. वैदिक सिविलाइजेशन को भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, प्री वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, ठीक है. तो अगर आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे, इसमें आइंस्टाइन जो आपने काफ़ी जो फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या बोला था, वी ओ अ लॉट टू इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट विदाउट विच नो वर्थ वाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड. ये उन्होंने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज काउंट जीरो जो एक बहुत बड़ा जो इंडिया का योगदान था इस पूरे वर्ल्ड को, मैथमेटिक्स को, वॉज द जीरो. ये किसने दिया था, किसी को आइडिया है, जीरो का कॉन्ट्रीब्यूशन किसने किया था? इवन जो डेसिमल सिस्टम है हमारा, जो बेस 10 का डेसिमल सिस्टम हम फॉलो करते हैं, वो भी हमने लिया था. इवन जो अगर आप अरबिक न्यूमरल्स लिखते हैं, तो ये भी इंडिया से होकर अरब देशों की तरफ गए थे. सो यू सी वी हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट. दैट्स वाई ये जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन ने इंडिया के बारे में ऐसा बोला है कि इतनी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी हुई थी जो जीरो हमें, आर्यभट्ट ने हमें दिया था, तो उसकी वजह से द होल मैथ्स वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शिव.
सो एंड मार्क ट्विन एक बहुत बड़े लिटरेचर के वो थे, प्रोपोनेंट थे. उन्होंने क्या बोला था इंग्लिश लिटरेचर में थे वो, इंडिया इज़ द क्रैडल ऑफ ह्यूमन रेस, मोस्ट वैल्यूबल एंड कंस्ट्रक्टिव मटेरियल इन द हिस्ट्री ऑफ मैन, आर ट्रेजर. तो मतलब इन सब ने इंडिया की इतनी तारीफ की है बिकॉज आज हम देखेंगे कि वाकई इंडिया का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था. हाँ जी, हाई संट्रास आर्यभट्ट, पूजा आर्यभट्ट, बिल्कुल. सो आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना होगा, ये गुप्ता एज के टाइम आए थे. आज हम थोड़ा बहुत इनके बारे में भी पढ़ेंगे. 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी AD में ये आए थे. और इनके और भी बहुत सारे हैं. इन्होंने एक सूर्य घटिका करके एक और इन्हें ग्रंथ लिखा था. इन्होंने सन से अर्थ का एक्चुअल डिस्टेंस उस टाइम कैलकुलेट करके बता दिया था, जो कि अब लेटर टाइम्स में हमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद पता चला. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक प्रमाइस. नाउ इफ वी सी एजुकेशन इन इंडिया, जो हायर एजुकेशन आज हम पढ़ते हैं कि हमारी टेक्निकल एजुकेशन होती है, हमारी नॉन टेक्निकल एजुकेशन होती है, तो इनका रूट कहाँ से आया होगा. सो द एजुकेशन कुड बी डिवाइडेड इनटू दीज मेनी पीरियड्स. फॉर एग्जांपल, वैदिक, बुद्धिस्ट, मेडिवल, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. तो जैसे मैंने वैदिक के बारे में आपको बताया, वो हम आज पढ़ेंगे. बुद्धिस्ट पीरियड क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जब अशोका आए थे अराउंड 4th सेंचुरी AD to 5th सेंचुरी BC के टाइम, जब अशोक का टाइम था, तो हमारे यहाँ बुद्धिस्ट जो रिलीजन था बहुत बहुत पीक पे था. यू नो, वी हैड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बट विद टाइम वॉट हैपन्ड, जैनिज्म स्टेड एंड बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ. बट बुद्धिज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडिया एंड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम वॉज मैनीफोल्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आज आप देखते होंगे बुद्धिस्ट संघ, इफ़ यू गो टू एनी मोनेस्ट्रीज, विजिट करते होंगे आप जैसे हिमाचल में, तो यू सी बुद्धिस्ट संघास, दे हैव देयर डिसिप्लिन, दे हैव देयर भिक्षुस हु स्टिल प्रैक्टिस द बुद्धिस्ट एजुकेशन. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिवल इंडिया, और मेडिवल इंडिया हमारा जो यू नो सल्तनत, जो अगर आपने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी, आपने सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक, लोधी डायनेस्टी, उसके बाद जो मुगल्स आए, मुगल्स कब से आए, जैसे फॉर एग्जांपल बाबर आए, बाबर के बाद वी हैव हुमायूं, वी हैव जहांगीर, वी हैव शाहजहां, देन वी हैव यू नो अकबर एंड औरंगजेब एक्सेट्रा. सो ये जो पूरा पीरियड था उसको हम बोलते हैं मेडिवल इंडिया. तो मेडिवल इंडिया में, इंडिया में एजुकेशन के उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए नहीं थे. बेसिकली अगर आप देखते हैं आर्ट, आर्किटेक्चर इसमें आया था. एजुकेशन हमारा जो मेन था वो वैदिक और बुद्धिस्ट पीरियड था. उसके बाद फिर एक ब्रेक के बाद जो हमारा, जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कोई मुझे बता पाएगा कब अंग्रेज़ों ने पहली बार यू नो इंडिया पे वो किया था, एंड कहाँ से कौन सी सिटी से आए थे, किसी को कुछ आइडिया है? या सो ओके, बिल्कुल ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, जिन्होंने हमारे 200 साल हम पे राज किया था, तो उन्होंने, इट वाज अ बैड थिंग ऑफ कोर्स, बट दे डिड यू नो दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू आवर एजुकेशन सिस्टम एज वेल. जो पहली बार हमारे एक एजुकेशन की शुरुआत हुई थी वो 1813 में हुई थी. 1813 देन 1831, बिल्कुल 1600 के आसपास आए, 1757. हाँ, तो दो, अगर आपने थोड़ा सा भी, आप लोग को हिस्ट्री का आइडिया है या कोई यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्री इंडिपेंडेंस में हुआ था वो कैसे हुआ था. जैसे आपने बहुत एक फेमस एक्ट है वुड्स डिस्पैच, ठीक है, जैसे आपने मैकॉलेज मिनट सुना होगा. तो ये सब एजुकेशन के फील्ड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए थे. उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो हुआ था वो टोटली डिफरेंट है. जैसे अगर रिसेंटली हम बात करें तो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है. तो एजुकेशन स्टार्टेड फ्रॉम एंशियंट इंडिया, बट स्टिल इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड उसके लिए लेकर हम नई नई पॉलिसीज बनाते रहते हैं, नई नई डेवलपमेंट्स करते रहते हैं. या सूरत, हाँ सूरत में पहले आए थे. सो सी, तो अगर ये हम बात करें, तो अगर हम आज पहला देखें, तो अगर हम एंशियंट इंडिया, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो ये आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से बहुत अलग है. हंटर कमीशन आया था वो, हाँ वो भी एक पार्ट था एजुकेशन में. बहुत सारे कमीशन आए थे, हंटर कमीशन था, वुड्रो विल्सन के मिनट्स थे, डिफरेंट थे. हंटर कमीशन एक जलियांवाला बाग के बाद भी हुआ था, अगर हिस्ट्री वाले जानते होंगे. सो या आपको मैं एक क्लास अलग से लूँगी जिसमें मैं आपको सारे कमीशन्स एंड कमिटीज़ के बारे में बताऊँगी, बिकॉज UGC नेट में दे कैन आस्क यू कि पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल कोठारी कमीशन है, कोठारी कमीशन के क्या रिकमेंडेशंस थे. फॉर एग्जाम्पल राधा कृष्ण कमीशन है, वो इंडिपेंडेंस के बाद आया था, उसने क्या रेकमेंड किया था. तो आपको एक ओवरऑल सब कुछ पता होना चाहिए. वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट क्लास आफ्टर दैट.
Okay, hi Akanksha, good afternoon. I see many people have joined. So please, आपको कुछ समझ में ना आए तो stop me and ask whatever you doubted. So if you see this slide, ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्रम मूलम गुरुर वाक्यम and मोक्षम मूलम गुरुर कृपा. संस्कृत है, I guess बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा, but अगर हम इस श्लोक के essence की बात करें तो आप देख सकते हैं इस श्लोक में गुरु की वैल्यू कितनी ज़्यादा है. अगर हम इसका दे आर ट्राइंग टू से यू नो इफ़ यू वांट टू मेडिटेट यू नो वी शुड मेडिटेट इन फ्रंट ऑफ अ गुरु. इफ़ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्शिप वी शुड डू इन फ्रंट ऑफ द गुरु. एंड इफ़ वी वांट टू अटेन मोक्ष दैट इज सेल्वेशन जो हमें आपने सुना होगा मोक्ष की प्राप्ति तो गुरु की कृपा एज इन द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द होल एजुकेशन सिस्टम इन एंशियंट इंडिया लाइज ऑन द बेसिस ऑफ द यू नो द गुरु वॉज वेरी सेंट्रल टू इट. तो अगर हम गुरु की बात करें जो कि मॉडर्न एज में टीचर यू नो आज आप अपने स्कूल्स में कॉलेजेस में टीचर से पढ़ते हैं तो आज काफ़ी कमर्शियल चीज़ें हो गई हैं एजुकेशन की. बट जो एजुकेशन एंशिएंट इंडिया में आज आप देखेंगे वो बहुत डिफरेंट था और वो बहुत ही प्योर एंड यूनिक था. जो कि वाकई अगर मैं बात करूँ कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है तो सबसे ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है वो यहाँ है बिकॉज वी हैव लॉस्ट द बेसिक टेनेंट्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. तो एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वॉज अ जर्नी फ्रॉम मोरालिटी टू इमोरालिटी. मतलब जैसे हम बात करें तो एजुकेशन सिर्फ ये नहीं होता था कि जैसे आज है आज हम पढ़ते हैं एग्जाम्स देते हैं आर मेन एम इज़ टू फाइंड अ जॉब. बट यहाँ पे क्या होता था यहाँ पे आपको जो एजुकेशन होती थी शिक्षा होती थी आपको एक इमोरल बिहेवियर से मॉरल मोरालिटी की तरफ ले जाती थी. अगर आप में कुछ ऐब है आप में कुछ दोष है इफ़ यू हैव फ्यू यू नो बैड क्वालिटीज दे विल टेक इट आउट ऑफ यू एंड दे विल ट्रांसफॉर्म यू इन टू न्यू पर्सन राइट. सो दैट वॉज द मेन असेंस ऑफ एजुकेशन. ओके तो अगर हम एजुकेशन की बात करें एसेंस की बात करें या हाय वेम्बू हाय जुबैर आई गेस फ्यू पीपल द बाय द नेम्स आई एम गेसिंग दे विल नॉट बी एबल टू गेट हिंदी प्रॉपरली दैट्स व्हाई इंटेंशनली आई विल बी यूजिंग इंग्लिश यहाँ पे आज थोड़ा सा ज़्यादा ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ गए. कुछ आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बिल्कुल रोक के बताइएगा. ओके सो कमिंग बैक टू द एजुकेशन तो जो एजुकेशन हम देखते थे जैसे आज हमारा एक सिस्टम होता है स्कूल्स का कॉलेजेस का. पहले स्कूल कॉलेजेस कुछ नहीं होते थे. आपने सुना होगा अगर आप एक आई होप आई हैव दैट पिक्चर No, I guess I don't. But anytime if you came across a picture, एक पेड़ होता था उसके नीचे एक ऋषि बैठे रहते थे फिर उनके डिसाइपल्स बैठे रहते थे तो वो उस सिस्टम को हम क्या बोलते थे. वो सिस्टम स्कूल तो होता नहीं था. हमारे ब्रिक मोटार की वॉल्स नहीं होती थी. हमें ऐसे फीस नहीं देनी पड़ती थी आज जितना कमर हमें लाइन लगानी पड़ती है स्कूलों में एडमिशन देने के लिए डोनेशन ऐसा कुछ भी नहीं होता था. येस पूजा दैट वॉज गुरुकुल. सो द गुरुकुल वॉज द एसेंस ऑफ एंशियंट इंडिया. जैसे नाम से ही ये इतना भारी भरकम वर्ड है. सो द गुरुकुल वॉज अ सिस्टम वॉज एन एजुकेशन सिस्टम जिसमें क्या होता था एक बच्चा जाता था और वो गुरुकुल में एडमिशन होना इतना आसान नहीं होता था. अब एक किसी स्टूडेंट की मॉरल वैल्यूज़ एथिकल वैल्यूज़ उसकी सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाता था तब जाके कोई एक गुरु अपने गुरुकुल में किसी को एडमिशन देता था. हेलो मैम हेलो रेशमा गुड आफ्टरनून. सो वॉट वॉज दिस गुरुकुल. गुरुकुल का ओरिजिन कहाँ से है. जैसे द मीडियम ऑफ टीचिंग वॉज संस्कृत एंड द नॉलेज वॉज पास ऑन ओरली इन अ सिस्टम कॉल्ड गुरुकुल्स. तो जो मीडियम होता था जैसे अगर हम आज की बात करें आज हमारे पास इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है. आई एम टीचिंग यू यू आर लर्निंग यू नो ऑनलाइन हम ऑनलाइन मीडियम के थ्रू बात कर रहे हैं. आप कहीं और हैं मैं कहीं और लोकेटेड हूँ. बट दैट टाइम वॉट हैपेंड दैट टाइम इतना टेक्नोलॉजी थी नहीं. सो द मीडियम एक तो हिंदी वॉजेंट यूज एज अ लैंग्वेज यू नो संस्कृत वॉज द लैंग्वेज विच वॉज यूज एंड गुरुकुल एक ऐसा सिस्टम होता था जहाँ पे बच्चे आते थे एंड बच्चों को वहाँ पे रुकना पड़ता था. पीपल हैव टू स्टे देयर एंड यू नो वहाँ पे ही उनको शिक्षा का पूरा आदान प्रदान होता था. वहाँ पे उनको रुकना पड़ता था. वो एक फैमिली मेंबर की तरह ग्रुप गुरु के साथ रहते थे. ठीक है उस इसलिए उसको बोलते थे ब्रह्मचर्य आश्रम क्योंकि वहाँ पे हम अपना घर छोड़ के हमें अपने जीवन के एटलीस्ट 12 से 13 साल वहाँ पे बिताने पड़ते थे. बिल्कुल मैं रेशमा हिंदी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ. हाँ आई ट्राई यूजिंग हिंदी ऑल्सो. तो अगर हम गुरुकुल की बात करें तो ये गुरुकुल कहाँ से आया था बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने यहाँ पे सुना होगा वेदास. वेद क्या होते हैं सबने सुना होगा आई गेस जितने भी लोग फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं.
क्योंकि वेदास आर द यू नो द मोस्ट, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा दयानंद सरस्वती, उनका एक मोटिव था गो बैक टू द वेदास. तो वेदास आर दैट ट्रेजर. ये हमारा, हमारी संस्कृति के, हमारे एजुकेशन का एक ऐसा खजाना है जो कि यू नो वी हैव ट्रेजर टिल नाउ, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टार्टेड फॉरगेटिंग इट. कि तो वेदास से ही हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ है. तो अगर हम वेदा की बात करें तो वेद कितने होते थे बताइए, वेद कितने हैं? आई मीन नॉट होते थे बट या देर, वी स्टिल हैव वेदास विद इट. हाउ मेनी टाइप्स एंड नेम्स ऑफ वेद यू आर अवेयर ऑफ? चलो कीप आंसरिंग. अगर आपने सुना होगा तो वेद्स आर ऑफ यू नो फोर. ओके आई सी सम आंसर्स कमिंग. यस विवेक, फोर ऑफ कोर्स. तो अगर आप, इफ यू आर यू नो पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉट इवन इंडिया, इफ़ यू लिव एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो वेद है, जो वैदिक नॉलेज है, आज हमारा पूरा वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू इंडिया रिगार्डिंग द वैदिक नॉलेज. तो वी हैव फोर वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्वेदा. अथर्वेदा वॉज द लास्ट वेदा जिसमें जो उसको सेक्युलर वेदा बोला जाता है उसको, उसमें कुछ रिलीजन का बहुत ज़्यादा वो नहीं था. बिल्कुल ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्वेदा. यस यस एंट्रास, बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल आइडिया है. तो ये बहुत बेसिक है. सो देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ फोर वेदास एंड फोर वेदांगास, 118 उपनिषद्स एंड दर्शन शास्त्र, पुराणास, भगवद गीतास. तो ये सब आपको बहुत फेमिलर नाम लग रहे होंगे. हमने पुराण पढ़े, हमारे पुराण होते हैं, उपनिषद्स होते हैं, हमारे वेदांगास होते हैं, हमारे क्या बोलते हैं, भगवद गीता आपने सुना होगा, हमारे एपिक्स होते हैं. एपिक जैसे हमारा रामायण है, महाभारत है, और जैसे दर्शन शास्त्र. दर्शन शास्त्र इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ UGC नेट. ये तो हम हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, बट एक लॉजिकल रीजनिंग करके एक अलग सब टॉपिक है जिसमें हमें दर्शन शास्त्र पढ़ना पड़ेगा. जैसे फिलोसफी, जैसे इंडियन दर्शन शास्त्र होता है कि उसमें 6 उसकी ब्रांचेस होती हैं. अगर यहाँ पे कोई फिलॉसफी ऑप्शनल वाला है तो उसको शायद पता होगा कितनी कितनी क्या होती हैं. योग होता है, सांख्य होता है, मीमांसा होता है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ठीक है, न्याय होता है. ये सब अलग अलग ब्रांचेस हैं फिलॉसफी की जिसको अलग अलग ऋषियों ने लिखा था एंड अलग अलग उसके प्रिंसिपल्स हैं. दैट इज टू बी टेकन इन अ सेपरेट क्लास. जी बिल्कुल, हाँ, 18 पुराण. तो अब ये नॉलेज पास होती थी कैसे? तब ये नॉलेज जो गुरुकुल में पास होती थी कैसे होती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका. द पराविद्या एंड द अपर विद्या, ये एक आपसे पोटेंशियल UGC में पूछ सकते हैं. वॉट वर द टू ब्रॉड ब्रांचेस इन विच द नॉलेज प्रोवाइडेड इन एंशियंट इंडिया वर डिवाइडेड. सो दीज टू वर द टू बेसिक ब्रॉड यू नो स्ट्रीम्स. एक थी पर विद्या, एक थी अपर विद्या. जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको डोंट स्ट्रेस ओवर इट, इज जस्ट अ टर्म. आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, पर विद्या एंड अपर विद्या. तो अपार विद्या इज बेसिकली डेल्ट विद द प्रैक्टिकल नॉलेज. जैसे जो हम आज अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जैसे किसी ने इंजीनियरिंग किया है, जैसे किसी ने साइंसेस पढ़ा है, किसी ने मेडिसिन पढ़ा है, जो हमें रोजमर्रा में काम आती है, जो हमें एक जॉब एंड ब्रेड एंड बटर करने में प्रोवाइड करती है. वैसे पर विद्या इज नॉट डेल्ट टूडे. आजकल अगर हम आपसे किसी स्कूल में पूछें कि आपको क्या पर विद्या सिखाया जाता है, नो, पर विद्या इज अ नॉलेज अबाउट द स्पिरिचुअल विजडम, द हायर वर्ल्ड. अब आप पूछेंगे क्या होता है, तो हायर वर्ल्ड इज लाइक पहले के ज़माने में एक ये जीवन होता था एंड पीपल बिलीव दैट देर इज़ अ लाइफ आफ्टर दैट ऑल्सो. सो पीपल यू नो यूज टू ट्रेन स्टूडेंट्स दोनों के हिसाब से कि आपको एक अपर विद्या देंगे जिसमें आपको अभी आप जैसे रह रहे हैं गुरुकुल में पढ़ाते थे, फिर आपको एग्रीकल्चर के बारे में सिखाया जाता था, आपको पशुपालन के बारे में सिखाया जाता था, दीज वर द थिंग्स. एंड आपको ऑल्सो ऐसी चीज़ें दी जाती थी जो आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करे, एज इन वंस यू डाई यू शुड नॉट यू नो डाई like no one. I mean you should have that knowledge, you should have few things with you that you will be taking after your death also. So these were the two kind of broad streams. Ye yaad rakhiyega, paravidya and apar vidya. क्लास का PDF, हाँ बिल्कुल, मैंने नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे. ये सब नोट्स वैसे ही हैं, ये उन्हीं नोट्स से मैंने PPT बनाए हुए हैं. ओके, सो इफ वी टॉक द वेदिक टीचिंग पेड पदास एंड प्योर ओरल टीचिंग इवन थ्रू चिंतन, दैट इज थिंकिंग.
तो अगर अब हम गुरुकुल में आ गए हैं, ठीक है, गुरुकुल में आपका नॉलेज का आदान प्रदान हो रहा है, बच्चे बैठे हैं. सो जैसे आज हमारा मीडियम होता है, आज वी यूज़ टू राइट इन पेन्स, वी यूज़ टू यू नो वी गिव एग्ज़ाम्स इंटरनेट पे. बट पहले क्या होता था, पहले गुरु का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो पद एज इन द ओरल रेंडिशन. जैसे आज आई एम टीचिंग यू हेयर, तो पहले द मेन एम्फेसिस वॉज पेड ऑन पदास. मतलब क्या होता था, पदास इन द सेंस कि जो आपका प्रोनंसिएशन होता था, जो इसलिए अगर आप ओरल मीडिया, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एंशिएंट नॉलेज का कि द होल एजुकेशन वाज गिवन ओरली, कुछ भी लिखते नहीं थे, ओरली देते थे. तो ओरली में प्रोनंसिएशन, जो उच्चारण होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे आज हम कुछ इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ते हैं, सो वी गेट कन्फ्यूज रीडिंग द स्पेलिंग. तो अगर हमें उसका प्रोनंसिएशन पता रहता है तो इट बिकम्स क्लियर टू अस. तो द वेडिक टीचिंग पेड यू नो इम्पॉर्टेंस टू पदास एंड प्योर ओरल टीचिंग थ्रू चिंतन. दूसरा पार्ट क्या होता था, चिंतन, जो कि ऑफकोर्स आज बहुत लोगों में मिसिंग है. आज हम क्लासरूम टीचिंग में करते हैं, यू नो वी गिव नॉलेज, बट आपको क्या लगता है कितने बच्चे वहाँ बैठ के दे यूज टू रिफ्लेक्ट कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया. दिस इज़ रियली मिसिंग इन टूडेज़ टाइम. अगर आप IITs की बात करें तो लोग IITs जाना क्यों प्रेफर करते हैं, इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज वहाँ देयर इज़ एन इको सिस्टम. वहाँ पर ऐसा माहौल होता है जहाँ पे द स्टूडेंट्स आर फोर्स टू थिंक, यू नो दे थिंक अबाउट वॉट हैव बीन टॉट, वॉट शुड बी टेकन फर्दर इन द स्टडीज. तो जो मेन वैदिक एज का कैरेक्टरिस्टिक था वो था ओरल रेंडिशन, ओरल टीचिंग, एंड द सेकेंड वॉज चिंतन. चिंतन एज इन मनन, आपको अगर कुछ जो पढ़ाया गया आप उसके बारे में सोचें, ठीक है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज फीस टू बी चार्ज इज कॉल्ड गुरु दक्षिणा. क्या होता है गुरु दक्षिणा, कोई मुझे बताएगा? मैम वर द गर्ल्स ऑल्सो गोइंग टू गुरुकुल? हाँ जी बिल्कुल, गर्ल्स भी जाती थी. हमारा अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वो आज के काल से काफ़ी मॉडर्न था. जो गर्ल्स को एजुकेशन, गर्ल्स वर ऑल्सो यू नो मेड ऋषि. आप देखने तो गर्ल्स को हम ऋषिका बोलते थे. एंड बहुत फेमस गर्ल्स हैं जिनको मैं आगे बताऊँगी, जिनका नाम हुआ था. तो गर्ल्स को भी इम्पॉर्टेंट एजुकेशन मिलती थी, इवन उनको हवन, उनको हर चीज़ में पार्ट लेने का मौका मिलता था, जो कि आज इनफैक्ट एज वी हैव ट्रांसेंडेड टूवर्ड्स द मॉडर्न एजुकेशन, वो हमें गर्ल्स को हम और पीछे खींच रहे हैं यू नो एजुकेशन से. सो या अगर आपसे मैं पूछूं गुरु दक्षिणा क्या होता है, गुरु दक्षिणा वाज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गुरुकुल सिस्टम. यहाँ पे कोई फीस नहीं होती थी, एज इन जैसे आज हम फीस पे करते हैं अपने स्कूल्स में, अपनी कोचिंग्स में, कॉलेजेस में. तो दैट सिस्टम वाज गुरु दक्षिणा. वहाँ पे कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था. बार्टर इन द सेंस यू हैव टू, ऐसे मुझे 2 किलो आटा चाहिए तो आई विल गिव यू यू नो 2 किलो मे बी राइस एंड यू विल गिव मी द व्हीट. तो एक तरीके का आदान प्रदान वस्तुओं में होता था. तो गुरु दक्षिणा क्या होता था, जैसे आपने बहुत एक फेमस इंसिडेंट सुना होगा, गुरु दक्षिणा, किसने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, कोई मुझे बताएगा? आपने अगर थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेते हैं पुराने वैदिक उसमें फोकलोर्स में, तो एकलव्य का गुरु दक्षिणा में अंगूठा मारा था गुरु द्रोणाचार्य ने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनको एकलव्य को वो नॉलेज नहीं देना था जो कि वो अर्जुन को दे चुके थे. एंड अर्जुन वाज यू नो सपोजिटली ही वाज टू बी मेंट टू बी अ वेरी गुड आर्कर. तो उसमें जब एकलव्य बहुत अच्छे धनुर्धारी बन गए थे तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा में, हाँ जी स्वाति, द्रोणाचार्य, सो द्रोणाचार्य ने उनसे क्या बोला कि आप मुझे अपना अंगूठा दे दीजिए ताकि जो अर्जुन है, अर्जुन जो कि उच्च कुल के थे, उनको वो विद्या प्रदान कर सकें एंड एकलव्य से वो चीज़ ले सकें. तो एज वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज गुरु दक्षिणा वॉज द मेन थिंग. वो किसी भी फॉर्म में हो सकती थी. जैसे आप अगर किसी पुराने सीरियल्स में देखते हैं, यू नो पीपल यूज टू गो फॉर आर्म्स, लाइक अलग अलग घरों में जाके भिक्षाम देही, यू हैव हर्ड दैट. सो भिक्षा मांगते थे तो वो अलग अलग घरों में लोग उनको अपनी इच्छा से कुछ भिक्षा देते थे, वो अपने गुरु के गुरुकुल में लाते थे, वहाँ उससे खाना बनता था, सब बैठ के खाते थे. सो कैन यू सी द स्पिरिट ऑफ एवरीथिंग? इट्स लाइक आज जो एजुकेशन सिस्टम है और तब जो था, उसमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती थी. उसमें एक हमें एक यूनिटी सिखाई जाती थी, उसमें हमें एक साथ में रहने का स्पिरिट सिखाया जाता था, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक वर्च्यू सिखाई जाती थी वो थी चैरिटी की. चैरिटी जो कि आज के एजुकेशन में, आज हमें एक अलग सब्जेक्ट रखना पड़ता है मॉरल एजुकेशन, क्योंकि हमारे बच्चों में वो चीज़ ऑलरेडी मिसिंग है. तो ये चैरिटी सिखाई जाती थी, बच्चे जाते थे, भिक्षा लेते थे और गुरु को दक्षिणा देते थे, राइट? सो गुरु दक्षिणा वॉज द मेन थिंग. तो मैं इसमें वापस से आऊँगी वेदास में. तो अगर जब बच्चा किसी गुरुकुल में आता था
तो सबसे पहले उसको क्या होता था, किस एज में आता था, जैसे अगर आज आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो बाय व्हाट एज यू टेक द एडमिशन, क्या एज होती थी? अच्छा तब क्या होती होगी, कोई गेस करिए, बताइए मुझे। गुरु द्रोणाचार्य, बिल्कुल हाँ जी, काफ़ी आप लोग को नॉलेज है। मुझे लग रहा था कि ये क्लास थोड़ी सी इंटरैक्टिव कम होगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री फिलॉसफी ज़्यादा है, बट वेरी वेरी इंप्रेसिव, पीपल नो अबाउट दीज थिंग्स। तो अगर मैं बात करूं कि जो शिक्षा का आरंभ होता था, जैसे आज होता है, आज एक पर्टिकुलर एज होती है जब हम बच्चे को डालते हैं नर्सरी, प्री नर्सरी, फर्स्ट में, तो तब क्या होता था, तब एज ऑफ 5 में हम बच्चे को गुरुकुल भेज देते थे और उसका एक सेरेमनी होती थी, उसको हम बोलते थे उपनयन। उपनयन आपने सुना है क्या होता है, किसी ने भी कभी सुना उपनयन संस्कार क्या होते हैं? अगर हम हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता में बात करें, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये संस्कार एक इंसान की लाइफ से लेकर डेथ तक अलग अलग जो माइलस्टोन एज होती थी उनमें परफॉर्म किए जाते थे। तो ये एक संस्कार, हाँ जी, 12 थोड़ा सा लेट हो जाता है फॉर्मल एजुकेशन के लिए, 12 साल उनको गुरुकुल में रहना पड़ता था, 8 ईयर्स कह सकते हैं आप, बिकॉज 5 to 8 ईयर्स के बीच में उनको भेजते थे। तो द सेरेमनी जो होती थी उसको, फॉर्मल सेरेमनी को हम क्या बोलते थे, विद्या आरंभ। नाम से यू कैन गेस इट, विद्या का आरंभ हो रहा है। सो नो द फॉर्मल इनिशिएशन, यूजीसी में पूछ सकते हैं, यू नो द फॉर्मल सेरेमनी, यू नो द इंडक्टेड वंस अ चाइल्ड वॉज एडमिटेड इन टू द गुरुकुल वॉज कॉल्ड, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। तो यू शुड नो उपनयन वॉज द इनिशिएशन, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। और अब जब उपनयन हो जाता था, फॉर एग्जाम्पल अगर उपनयन की मैं बात करूँ, उसको अगर आप हिंदी में देखें तो यू हैव दैट थ्रेडिंग, यू नो, जैसे कुछ रिलीजन के पीपल, कुछ कास्ट के पीपल, दे वेयर दैट रिलीजियस थ्रेड, तो उस थ्रेड को हम बोलते थे दैट होली थ्रेड, जिसको हम जनेऊ बोलते हैं, वो उपनयन सेरेमनी होती थी। ओके, तो उसके बाद क्या होता था, वंस दैट सेरेमनी हैज़ बीन डन, जब एक बच्चा को यू नो हैज़ बीन टेकन इन टू गुरुकुल, तो उसको हम बोलते थे द्विज बॉन्ड। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये हमेशा याद रखिएगा। द्विज बॉन्ड क्या होता था, द्विज बॉन्ड मतलब जैसे ही किसी बच्चे का उपनयन संस्कार हो गया, जैसे ही उसको गुरुकुल में ले लिया गया, तो उसका द्विज बॉन्ड एज इन उसका सेकेंड बर्थ होता था, यू नो दैट इज, इस लेवल का एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि वेन एवर द चाइल्ड हैज़ बीन एडमिटेड टू द गुरुकुल, उसका एक सेकेंड बर्थ हो रहा है, इसलिए उसको हम बोलते थे द्विज बॉन्ड, ठीक है, द्विज बॉन्ड। और ये किसको अलाउड होता था, ये सिर्फ अगर आपने कभी सुना होगा जो हमारा कास्ट सिस्टम था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ये सिर्फ अपर, जो फॉर एक सपोजिटली जिनको हायर कास्ट बोला जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य को अलाउड होता था, शूद्रास वर डिवाइड ऑफ दिस उपनयन सेरेमनी। ओके, उपनयन संस्कार बिफोर गोइंग टू स्कूल, या दिस इज़ द करंट वर्जन जो आप लोग जानते हैं संतरास, मतलब अगर हम पुराने एंशियंट टाइम की बात करें तो उसको एक स्टार्ट बोला जाता था एजुकेशन का, राइट? तो उसके बाद क्या होता था, उसके बाद जो बच्चा था वो क्या बन जाता था, ब्रह्मचारण। तो मतलब उस बच्चे को गुरुकुल में रहना पड़ता था, उसको जो हम बोलते हैं सेलिबसी, ब्रह्मचारिता उसको लागू करना पड़ता था, ही हैज़ टू स्टे देयर एट द गुरुकुल फॉर अराउंड 12 to 15 ईयर्स, ही डोंट हैव टू गो, ही वॉज नॉट अलाउड टू विजिट हिज होम, ऑफकोर्स ही वॉजेंट अलाउड टू मैरी, एंड उसको ब्रह्मचार्य का व्रत फॉलो करना पड़ता था, राइट? सो देन इट वॉज फॉलोड बाय उपक्रमण सेरेमनी, समाव्रता वॉज द कॉन्वोकेशन एड्रेस। दीज टर्म्स आर थोड़ा सा, यू नो दे आर लिटिल ऑफ द ट्रैक, थोड़ा सा टफ पड़ेगा मे बी जो लोग हिंदी से उतने रेलिवेंस नहीं रखते हैं। तो अगर आप बस एक ओवरऑल टर्म्स याद रखिए, बिकॉज टर्म्स कुड बी अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन इन UGC कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो समावर्तना, जैसे आज आप देखते हैं आपका जब कॉलेज कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या होता है, कॉन्वोकेशन सेरेमनी, राइट? आपको बुलाते हैं, आपको डिग्री दी जाती है, UC डिग्री मिलके आपको, यू आर फाइनली ग्रेजुएटेड। तो इस सेरेमनी को हम बोलते थे समावर्तना सेरेमनी। ओके, इफ एनीथिंग इज आस्क्ड रिगार्डिंग समावर्तना, यू शुड नो दिस इज अ कॉन्वोकेशन सेरेमनी। ओके, एंड देन देर इज अ फॉर्मल सेरेमनी ऑफ यज्ञोपवितम। वॉट इज दिस यज्ञोपवितम? यज्ञोपवितम, जैसे मैंने उपनयन संस्कार बताया, जो कुछ लोग लिख भी रहे हैं कि जनेऊ, मुंडन, ओके, ऑल दीज टर्म्स इन हिंदी। सो यज्ञोपवितम वॉज अ फॉर्मल सेरेमनी, जो कि एक बार किसी भी चाइल्ड के लाइफ में यू हैव टू परफॉर्म, उसको फॉर्मली उसको हम बोलते थे यज्ञोपवितम। इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट इज यज्ञोपवितम, यज्ञोपवितम इज जस्ट द सेरेमनी इन विच ऑफिशियली द होली थ्रेड हैज़ बीन, यू नो, गिवन टू अ चाइल्ड। ओके,
मंजूर टू टफ, बिल्कुल टफ नहीं है, इसको एकदम सिंपल तरीके से पढ़िए। आज के एजुकेशन से आप पुराना एजुकेशन को कंपेयर करके चलेंगे, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। जैसे आज जब 5 साल का बच्चा होता है उनको हम स्कूल भेज देते हैं, तब क्या होता है, तब जब 5 साल का बच्चा होता है उनको हम गुरुकुल भेज देते थे। आज क्या होता है, आज हमें फीस देनी पड़ती है, तब हमें क्या देना पड़ता था, तब हमें गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। आज हम देखते हैं कि हमारा कॉन्वोकेशन होता है, तब होता था संवर्तना। इट्स जस्ट फ्यू टर्म्स यू हैव टू रिमेम्बर, एवरीथिंग इज सेम ऑलमोस्ट। या सो द मेन एम ऑफ टीचिंग, अब हम मेन एम ऑफ टीचिंग में आते हैं। तो पहले जो पढ़ाते थे उसका मेन एम क्या होता था, जैसे अगर हम अभी देखें, अभी जो मेन एम ऑफ टीचिंग क्या होता है, टू गेट अ जॉब, गेट पास आउट ऑफ द स्कूल, कॉलेज में जाइए, कॉलेज में आप या तो इंजीनियरिंग करिए, मेडिकल पढ़िए, लॉ पढ़िए, एंड द मेन एम इज़ टू गेट अ जॉब। पहले क्या होता था, पहले जॉब को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, तभी जो एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता था उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता था। दैट्स व्हाई इट वाज अ होलिस्टिक, इट वाज एन होलिस्टिक एजुकेशन, जो अभी मिसिंग है। तो व्हाट वाज दैट, द मेन एम ऑफ टीचिंग वाज सेल्फ फुलफिलमेंट, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, रादर देन जस्ट अ मटेरियलिस्टिक एम। तो उसमें क्या होता था कि जो आप बोलते हैं ना, सेल्फ फुलफिलमेंट होना चाहिए, मतलब यज्ञोपवितम, क्या यज्ञोपवितम कुछ नहीं है, इट्स जस्ट जैसे मैंने आपको बताया, उपनयन सेरेमनी होती है, जो जनेऊ होती है, जो होली थ्रेड होता है जब उस बच्चे को पहनाया जाता था, उसका हम बोलते हैं यज्ञोपवितम इज एन ऑफिशियल स्टार्ट टू हिज एजुकेशन सिस्टम। तो जब उसको यज्ञोपवितम हो जाता था, ही हैज़ बीन और शी, ही ऑफकोर्स नॉट शी, बिकॉज यज्ञोपवितम जनरली मेल्स का ही होता है, तो ही हैज़ बीन ऑफिशियली इंडक्टेड इन टू द एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, तो उसको यज्ञोपवितम बोलते हैं। तो जैसे मैं बताई थी क्या एम होता था एजुकेशन का, इट्स मोर अबाउट स्पिरिचुअल एंड यू नो मेंटल अपब्रिंगिंग। हमें सिर्फ पैसे या मटेरियलिस्टिक एम नहीं होता था, एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट वाज द मेन एम, ठीक है। अब जैसे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था क्या कि मैम क्या विमेन होती थी, तो आपने किसी विमेन का, किसी वुमेन का नाम सुना है जो कि बहुत फेमस थी उस वैदिक एज में, एंड जो कि जिन्होंने काफ़ी अक्सर उनका हम नाम सुनते रहते हैं, किसी ने कुछ नाम सुना है कौन विमेन थी वो, एक तरीके का फीमेल वर्जन ऑफ ऋषि बोल सकते हैं। हाँ जी, मेल का ही होता है। विमेन जो होती थी, एक आपने बहुत फेमस नाम है गार्गी, गार्गी एंड मैत्री, एक होती थी लोपामुद्रा, ये तीन नाम हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि यू नो कौन सी बहुत फेमस तीन विमेन थी जो कि जिन्होंने उस वैदिक टाइम में इतनी एजुकेशन और इतना वो हासिल किया था, तो वो तीन थी गार्गी, मैत्री एंड लोपामुद्रा, ठीक है। हाँ बिल्कुल संतरास, वेरी गुड वेरी गुड, यस। सो और टू क्लासेस होती थी इन एजुकेटेड वुमेन की, ये तो मैंने नाम बताया, दे वर लाइक टू क्लासेस ब्रॉडली। दो क्लासेस कौन सी होती थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है नेट में, मैं आपको बीच बीच में बताती जा रही हूँ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, बिकॉज टॉपिक एक बहुत ब्रॉड है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल क्वेश्चंस आई एम यू नो ट्राइंग टू टेल यू। तो ये सद्योवहास और ब्रह्मवादिनीस, अब नाम थोड़ा सा संस्कृत है, यू माइट फील कि थोड़ा टफ है, बट दो कैटेगरी होती थी वुमेन की। एक कैटेगरी वुमेन की वो होती थी जो सिर्फ अपनी शादी तक, अंटिल दे आर गेटिंग मैरिड, तब तक वो सिर्फ पढ़ाई करती थी। दूसरी कैटेगरी होती थी ब्रह्मवादिनीस, ब्रह्मवादिनीस कौन होती थी, जो कि पूरे अपनी लाइफ लॉन्ग पढ़ती रहती थी। तो ये जो मैंने तीन आपको नाम बताए, गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, ये ब्रह्मवादिनीस थी, बिकॉज दे परस्यूड एजुकेशन ऑल थ्रू देयर लाइफ। अब आप थोड़ा सा देखिए कितना कॉन्ट्रास्टिंग है, कि आज के टाइम में हम जब देखते हैं कि हम जब किसी लड़की की शादी होती है, वी से यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हैव स्टॉप्ड फॉर हर, द वर्क लाइफ गेट्स अफेक्टेड एंड एनीथिंग, बट उस टाइम क्या होता था, द वुमेन वर गिविंग दैट फ्रीडम, दैट इंडिपेंडेंस, कि आप शादी ना परस्यू करके आप अपना ये भी पूरा यू नो एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यू कर सकते। उनको हम क्या बोलते थे, ब्रह्मवादिनी, राइट, संतरास, अपला, घुसाला, या बहुत सारी हैं, आई जस्ट यू नो नेम थ्री फेमस वंस। खेम सिंह बोलते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट इज इक्वल टू, हाँ जी, मतलब सेल्फ फुलफिलमेंट मतलब जो आप में आपकी खुद अंदर से जो आपको एक खुशी मिलती है, जो आपको एक पूर्ण यू नो कंप्लीटनेस की फील आती है, तो वो उस एजुकेशन सिस्टम का मेन एम होता था। तो ये याद रखिएगा, सद्योवाहस, सद्योवाहस एंड ब्रह्मवादिनीस, टू कैटेगरीज होती थी विमेन ऋषिज की, ओके। तो अब हम वेदास में आते हैं,
तो अगर हम ये जो हमारा मेन टॉपिक है आज थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करूँगी, तो जो एजुकेशन सिस्टम जो पूरा हमने गुरुकुल समझा, उपनयन समझा, ये जो पूरा 12 साल चलता था, हर ब्राह्मण्स के लिए, क्षत्रियास के लिए, वैश्य के लिए सब अलग होता था. अच्छा ओके, सो आई गेस अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आप, क्योंकि ये जो चार्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम इसकी बात करें कि जो ओवरऑल जो हमारा नॉलेज आई, जो नॉलेज का बिल्कुल वेद का मतलब क्या होता है, इफ़ वी सी वेदास, ये किससे आए हैं, इनका जो रूट वर्ड है वो होता था विद, विद विद एज इन नॉलेज, राइट. तो ये हमें जो जितना भी नॉलेज, जो ज्ञान प्राप्त होता था, उन वेदास से होता था. तो ये जो अगर हम इंडियन स्क्रिप्चर्स की बात करें, ये दो भागों में डिवाइड होते थे, ठीक है. एक एक उसका पार्ट होता था जो ये है वेदास एंड ये वेदास, उपनिषद्स एंड उपवेदास, उनको हम बोलते थे स्तुति. और ये जो बाकी होते थे इनको हम बोलते थे स्मृति. क्या होता होगा स्तुति और स्मृति, नाम से आपको समझ में आ रहा है, बट द एजुकेशन वुमेन ओनली लिमिट इन ऋग्वेद लेटर. हाँ बिल्कुल संतरास, यू हिट द स्पॉट. एक्चुअली द थिंग हैपेंड, प्री वैदिक पीरियड में वुमेन को ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलती थी, लेटर वैदिक में जैसे जैसे ही यू नो ब्राह्मणिज्म डोमिनेट करने लग गया, यज्ञ एंड ये सब होने लग गए, यू नो द गॉड्स टुक फॉर्म ऑफ यू नो फिजिकल फॉर्म्स. पहले क्या होता था, पहले जो हम जो पूजा करते थे दैट वर मोस्टली नेचर फोर्सेस को, अग्नि, इंद्र, वायु, इनको हम पूछते थे. बट लेटर वैदिक में क्या होने लग गया, थिंग्स चेंज, तो तब वुमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया. तो स्तुति और स्मृति क्या होते हैं अगर हम पूरा इन स्कल्पचर्स की बात करें. हाँ जी बिल्कुल सौम्यदीप, लिसनिंग एंड हियरिंग, वेरी ट्रू. सो वन इज स्तुति एंड वन इज स्मृति. अगर हम स्तुति की बात करें तो ये जितना भी है, मतलब मतलब इसमें क्या है, ये ऐसे फॉर्म्स होते थे जो एक्चुअली हैव द अ सब्सटेंशियल बेसिस, जिनका हमारे पास लिटरली रिकॉर्ड्स हैं, यू नो एविडेंसेस हैं, बुक्स हैं. तो ये वेद्स होते थे, उपनिषद्स होते थे. स्मृति, जैसे नाम से समझ में आ रहा है आपको, मेमोरी, जो कि हमारे मेमोरी बेस्ड थे, मतलब हमारा सबका हमारे पास इतना ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं नहीं, बट दे आर काइंड ऑफ बिल्ट ओवर टाइम. तो ये इन पर डिपेंडेंट होते हैं. तो एक ओवरऑल ये है, हाँ ओरली एंड स्मृति मीन्स रिटर्न, स्तुति मीन्स सुन के माइंड में रखना. हाँ जी, तो स्मृति में आपको माइंड में रखना होता है, ठीक है. अगर हम स्तुति की बात करें तो वेद मैंने आपको बताया ये चार टाइप के होते हैं, उपनिषद्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं. एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं उपनिषद्स के बारे में, तो जैसे हमारा इंडिया का जो वो है सत्यमेव जयते, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सील में देखते होंगे सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, तो ये कहाँ से लिया गया है सोच के रखिएगा. अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बाद में बिल्कुल बताऊंगी सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है. तो उपनिषद होते थे. स्मृति क्या होती थी, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, इतिहास, जैसे रामायण, महाभारत, ये सब स्मृति में आता था, ठीक है. अब जैसे पुराण है हमारा, भागवत पुराण है, सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, ठीक है. चेतना, क्वेश्चन बिल्कुल जैसे मैं आपको बीच में बताती जा रही हूँ कि कॉन्वोकेशन को क्या बोलते हैं, उपनयन से क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन की एज कब शुरू होती है, यू नो दीज कुड बी द वेरी पॉसिबल क्वेश्चंस. जैसे मैंने आपको बताया कि विमेन्स में दो टाइप के होते थे, ब्रह्मवादिनी, तो ऐसे टर्म्स पे फोकस करिएगा, बाकी कंसेप्ट समझ के जाइएगा. संतरास मुंडक, अरे वेरी गुड, वेरी नाइस संतरास, बिल्कुल सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है. तो ये है दर्शन शास्त्र, ये इस क्लास के स्कोप से बियॉन्ड है, हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली इसमें डिवाइड होता था ये इतने पार्ट्स में. अगर हम वेदास की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया दो भागों में वेद्स को कंपोज किया गया था. अगर चार वेद हैं तो दो भागों में इनको कंपोज किया गया था. एक था अर्ली वैदिक पीरियड और एक था लेटर वैदिक पीरियड. अर्ली वैदिक पीरियड में हमारा सिर्फ ऋग्वेद आया था और जो बाकी के तीन वेद थे वो लेटर वैदिक पीरियड में आए थे, जिनका टाइम था 100 to 600. अब ये जैसे आपने मुझसे पूछा चेतना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एक ये आ सकता है कि यू नो द रिमेनिंग वेदास, आई मीन अपार्ट फ्रॉम ऋग्वेदा कौन से पीरियड में कंपोज किए गए थे. तो यू शुड नो दिस डेट कि 100 सेंचुरी बीसी से 1000 सेंचुरी से 600 सेंचुरी बीसी में कंपोज किया गया था, ठीक है. द वैदिक लिटरेचर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू कैटेगरी श्रुतिज एंड स्मृतिज. ये जो मैंने आपको बताया ऋग्वेदा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऋग्वेदा क्या है,
ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा. अच्छा कितने श्लोक से कितने मंडल होते हैं ऋग्वेदा में, किसी को पता है? थोड़ा सा टेक्निकल है बट अगर कभी आपने सुना होगा कि ऋग्वेदा कितने मंडल से कंपोज हुआ है, ये आप पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? बिकॉज हाँ एंशिएंट एजुकेशन का पार्ट है. तो इसमें होते थे 128 वर्सेस और 10 मंडल्स, ठीक है? ये 1028 हिम्स. तो इसमें हाँ जी 10 एडिशनल 10 मंडल्स, राइट. तो इसमें आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर टू थिंग्स, ऋग्वेदा वॉज द ओल्डेस्ट, इसमें होते थे 10 मंडल्स, ओके. 10 मंडल्स में, 10 मंडल्स में जो फर्स्ट और 10th मंडल था वो सबसे रीसेंट था, सबसे बाद में ऐड किया गया था. फर्स्ट एंड द 10th आर द यंगेस्ट, जिनको सबसे बाद में ऐड किया गया था. सेकंड से लेके सात जो थे वो मंडल्स को एक तरीके का चैप्टर समझिए आप, ठीक है? वो सबसे पुराने थे. और इसमें कितने श्लोक थे? 1028 हिम्स थे. तो ऋग्वेदा वॉज द ओल्डेस्ट. और इसमें क्या होता था, जनरली इसमें श्लोक होते थे जो आप श्लोक पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने गायत्री मंत्र पढ़ा होगा, गायत्री मंत्र जो कि यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन हिंदू ट्रेडिशन. तो गायत्री मंत्र हैज बीन टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा. सो दीज वर द वेरियस श्लोक्स व्हिच वर देयर इन ऋग्वेदा, फाइन. अब हम नेक्स्ट वेदा की बात करें, यजुर्वेदा. यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा, ठीक है? तो अब अगर हम पहले सामवेद की बात करते हैं, अब हमने ऋग्वेद में पढ़ा, सामवेद में क्या होता था, किसी को कुछ नॉलेज है? हाँ बिल्कुल, 1018 hymns. No, actually they are 1028 because 1018 plus 11, उसमें बाद में अलग से additional hymns add किए गए हैं. तो आप प्लीज़ एक बार जाके अच्छे से देखिएगा, 1028 है. ओके, तो सामवेदा में क्या होता था, जो ऋग्वेदा के श्लोक्स थे उनको एक तरीके का म्यूजिक में सॉन्ग्स के फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था. तो सामवेदा में मींस मेलोडी एंड इट कंटेन्स अ रिदमिक कंपाइलेशन ऑफ हिम्स ऑफ ऋग्वेदा. इट कंटेन्स 1549 हिम्स. या इट कंटेन्स 1549 हिम्स विच आर मेंट टू बी संग एट द सोम सैक्रिफाइस बाय अ स्पेशल क्लास ऑफ ब्राह्मण्स कॉल्ड उद्गात्रीज. अब नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके. आपको बस एक चीज ये याद रखनी है, साम ओनली सॉन्ग्स. बिल्कुल संतरा, साम ओनली सॉन्ग्स. तो इनको किस टाइप के, अब जो ये वेद बने थे, इन वेदों को क्या हुआ था, इनको अलग अलग ऋषियों को दे दिया गया था. देवर लाइक अराउंड 8 to 9 ब्रांचेस ऑफ ऋषिज, भरद्वाज, उद्गात्री, अत्री. तो ये सब इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है. तो जो साम वेद को जिस ऋषिज को दिया गया था उनको बोलते थे हम उद्गात्रीज, ठीक है? ऋग्वेदा को जिस ऋषिज को दिया गया था उनको हम बोलते थे होत्री, होत्री. तो ये सब ऋषिज के नाम हैं जिनको, जिन्होंने अपने आने वाले जनरेशन को इन वेद्स की नॉलेज पास ऑन की थी, राइट? सो ऋग्वेदा वॉज यू नो पास ऑन बाय होत्री, सामवेदा वॉज पास ऑन बाय उद्गात्री, एंड यजुर्वेदा वॉज परफॉर्म बाय अध्वर्युज, राइट? फाइनली वॉज द अथर्वेदा. अथर्वेदा इज द लास्ट वेदा जो कि सेक्युलर वेदा बोलते हैं. इसमें जनरली जितने भी रिचुअलिस्टिक चीज़ें होती हैं, परफॉर्म करने के राइट्स होते हैं, वो अथर्वेदा में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैजिक स्पेल्स, ट्रेडिशन ऑफ हीलिंग एक्सेट्रा. बाकी ये एक शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए, इस पूरे वैदिक इसमें वेदास के अलावा ब्राह्मणास होते हैं और अरंक्यास होते हैं. अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए यूजीसी नेट में, व्हाट आर द ब्राह्मणास, तो ब्राह्मणास ऐसे होते थे, हर एक वेद के साथ ब्राह्मणास अटैच्ड होते थे. उनको हम बोलते थे कि उसमें क्या होता था, उसमें एक्सप्लेनेशन दी जाती थी जो कि वेद में क्लियर नहीं हो, वो ब्राह्मणास में एक्सप्लेन किया जाता था, ओके. अरंक्यास क्या होते थे, अरंक्यास इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा. अरंक्यास जो होते थे उनको फॉरेस्ट टेक्स्ट बोलते थे. इन अरंक्यास को जंगलों में लिखा जाता था, और ये किसके लिए होते थे, जो हर्मिट्स और स्टूडेंट्स होते थे, जंगल में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, उनके लिए अरंक्यास होते थे, ओके. इसमें क्या होता था, राइट्स एंड रिचुअल्स नहीं, फिलॉसफी ज़्यादा होती थी अरंक्यास में. देन कम उपनिषद, जैसे मैंने आपको बताया मुंडक उपनिषद. उपनिषद का मतलब होता है उप प्लस निषद, एज इन टू सिट एंड टू लिसन फ्रॉम द गुरु. तो उपनिषद भी बहुत सारे होते थे. मुंडक इज वन ऑफ द फेमस उपनिषद. स्मृतिज, एपिक्स. एपिक्स मतलब रामायण और
महाभारत. तो डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. याद रखिएगा एपिक्स में क्या आता है और स्मृतिज में क्या. स्मृतिज बहुत लास्ट में डेवलप हुई थी 600 BC से 200 BC में. वो भी जो रेमिनेंट चीज़ें थी वो थी उसमें स्मृतिज में, राइट. अब फाइनली जैसे जो कि मैं शुरू से आपको क्लास के पहले से बता रही हूँ, द एम ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम. दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूजीसी नेट. आपसे पूछ सकते हैं अमंग द फॉलोइंग व्हाट आर द एम ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम. तो क्या क्या था? मोक्ष, कैरेक्टर शेपिंग, इम्पार्टिंग रिलीजियस नॉलेज, स्ट्रेस ऑन सोशल ड्यूटीज, डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल पर्सनैलिटी. मतलब आपको सिर्फ जॉब के लिए या टेक्निकल उसके लिए नहीं आपको पढ़ाया जाता जैसे आज होता है. आपके पूरी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जाता था, कैरेक्टर शेपिंग होती थी, आपको अपनी सोशल नैतिक ड्यूटीज के बारे में वो किया जाता था. तो दीज वर द एम. और जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं कि जैसे हमारा हम बोलते हैं काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष, ये सब होते थे. तो उसमें मोक्ष वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लिबरेशन, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज प्रोबेबली द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंशिएंट एजुकेशन में. ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होते थे. तो याद रखिएगा SMN क्या होता था? श्रवण, मनन, निधि ध्यासन. श्रवण, मनन, निधि ध्यासन क्या होता था? श्रवण, जैसे नाम समझ में आ रहा है आपको, श्रवण से सुनना, द ओरली जो गुरु बोलते थे वो सुना जाता था स्टूडेंट्स के द्वारा. फिर मनन, मनन इज चिंतन, सुनने के बाद उस पर वो लोग सोचते थे कि हाउ टू यू नो हाउ इट हैपेंड, हाउ टू इनकल्केट इन योर लाइफ. तो मनन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज मिसिंग होता है, मनन एंड निधि ध्यासन. निधि ध्यासन में क्या होता था? उसको अपने लाइफ में, अपने वर्ल्ड में अप्लाई करने को के उसको बोलते थे निधि ध्यासन. दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट. तो ये यूजीसी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वर द थ्री मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन? दीज वर श्रवण, मनन एंड निधि ध्यासन. ओके, एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग एनीबॉडी? या इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आप एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा. दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर. ये क्या बता रहे हैं? टाइप्स ऑफ टीचर्स. जैसे टीचर्स आज हम पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, आपके कॉलेज टीचर्स होते थे. तो अब क्या होता है, पहले के ज़माने में ये वाले टीचर्स होते थे, उनको हम बोलते थे आचार्य, उपाध्याय, चरका, गुरु एंड शिक्षक. तो इन सबका काम एक ही होता था, काम एक ही होता था, पर इनके कैटेगरीज अलग होती थी. आचार्य सिर्फ वेद की नॉलेज देते थे, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे, दे डिंट यूज टू चार्ज एनीथिंग. उपाध्याय यूज टू चार्ज. चरकास जैसे होते थे, चरकास होते थे ये रोमिंग वाले होते थे, ये घूम घूम के नॉलेज देते थे. फॉर एग्जांपल जो ह्यू सैंग आए थे हर्षा के टाइम पे, उन्होंने चरका से अपना पूरा संस्कृत और बुद्धिज्म का नॉलेज लिया था. ओके, एंड गुरु, एज यूजुअल गुरु आपको पता है, जिनसे गुरु दक्षिणा देते थे, एंड शिक्षक. और अब लास्ट क्या है इसका? करिकुलम, मतलब पुराने एंशियंट टाइम में क्या क्या पढ़ाया जाता था, ठीक है. एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, जियोलॉजी. अब आप देख रहे हैं ये सब ब्रांचेस जो हैं उतनी मॉडर्न भी हैं, उतनी पौराणिक भी हैं. यू नो जैसे पहले हमको एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाता था, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता था, हमें जियोलॉजी पढ़ाया जाता था. तो सबकी नॉलेज होती थी एट द सेम टाइम, प्रैक्टिकल एंड एज वेल एज थ्योरी. तो दीज वर द मेन थिंग्स विच वर टॉट. सो येस, आई गेस ये एक मैंने ओवरऑल आपको पूरा वो दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया एंशियंट इंडिया में कैसे सिस्टम, कैसे नॉलेज दी जाती थी, कैसे उसका क्या होता था. एक बार आप जाके दोबारा देखिएगा, स्लाइड्स देखिएगा, आपको वर्ड्स याद करने की ज़रूरत है. क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं इसमें डायरेक्टली उठा के कि कौन से टर्म का मतलब क्या होता है. ओके, सो आई गेस इफ एनी इट्स क्लियर. और अगर कुछ डाउट हो किसी को तो बिल्कुल मुझे अमिताभ, हाय हाय अमिताभ, क्लास इज अबाउट टू एंड, यू कैन श्योरली यू नो लिसन द स्लाइड्स आफ्टरवर्ड्स. एंड अनदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज प्लीज, देर इज अ ग्रीन कार्ड जो कि आपने सुना होगा ग्रेडअप की तरफ से. इफ़ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस मोर मॉक्स बिफोर योर पेपर, प्लीज विजिट द वेबसाइट एंड द ऐप एंड बाय द ग्रीन कार्ड. इट्स वेरी चीप एंड यू कैन यू नो प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. थैंक यू सो मच. मैम हाउ टू रिमेंबर? ओके, दैट विल कम विद टाइम. ओके, या. Bye.